guys, welcome to Girls Republic Live on ARY Musik. This is Becks. Hope you guys are doing well. You can call us live. If of course not going through, leave a message on my Facebook page, which is Becks Khan. Or aaj hum aa rahe live aapke liye baithe hain, aur aap hame call bhi kar sakte hain. Call karke hame bataein ki how's your weekend's been and how your Monday is going. And you know how Mondays are like. They're so sleepy and right now I'm feeling so tired, super tired, and it's like so crazy. Like I can't even keep my eyes open. But you know, you just gotta like get like used to it. That it's Monday. लेकिन मंडे को हर वक्त अजीब सा, मंडे तो बहुत ही अजीब सा लगता है क्योंकि उससे पहले संडे होता है और संडे को बहुत ही लेजीनेस होती है. यू जस्ट डोंट वांट टू डू नथिंग. बट एनीवेज, अपनी फीडबैक मेरे पेज पे ड्रॉप कर सकते हैं, व्हिच आई एम गोना बी रीडिंग इट आउट इन द लास्ट लिंक. और अपने नाम के साथ अगर मैसेजेस आप हमें करें, सो दैट्स गोना बी बेटर. सो इट्स गोना बी इजीियर फॉर मी टू रीड योर मैसेजेस आउट. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है, वन रूल ऑफ लाइफ. हर किसी के लाइफ में जो है रूल्स होते हैं, जिनके जो है कुछ रूल्स होते हैं कि वो अपने रूल्स को लेकर अपनी लाइफ लेकर चलते हैं, और उस वे में कि अपनी लाइफ जो है रूल्स के बगैर वो दे कॉन्ट इवन इमेजिन देयर लाइफ. सो दैट्स व्हाट बेसिकली वी टॉकिंग अबाउट. अपना जो फीडबैक है मेरे पेज पे ड्रॉप करें, रिलेटेड टू द टॉपिक. इट शुड बी वन रूल ऑफ लाइफ, दैट्स व्हाट वी टॉकिंग अबाउट. रूल्स तो हर किसी की जिंदगी में होते हैं कि जैसा हम स्टार्ट अपनी लेते हैं, अपने स्टार्ट लेते हैं, अपना स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी, हर अपने अपने उसके रूल्स होते हैं. इवन जब आप अपना नया अर्ली चाइल्डहुड अपना जो स्टार्ट करते हैं, आपके एक दो रूल्स, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. एंड आई थिंक आई एम गोना स्नीज. कभी कभार होता है कि आपको स्नीज आ रही है और फिर नहीं आती, फिर आ रही है. आई जस्ट थॉट आई वाज गोना स्नीज. लेकिन मेरे साथ बहुत होता है, यू नो, आई वाज लाइक कि the other night I was on the phone to my sister. मैं उसके साथ फ़ोन पर थी, एंड आई वॉज टेकन अ नैप, एंड देन शी वोक मी अप. और मेरी बहन तो यहाँ से चली गई. सो इट्स लाइक बहुत ही डिफरेंस हो गया अमेरिका के टाइम में और यहाँ के टाइम में. कितना बहुत डिफरेंस है. अभी अगर हम यहाँ उठ रहे होते हैं, वहाँ रात हो रही होती है. वहाँ अगर रात हो रही होती है, हम यहाँ उठ रहे होते हैं. तो ये इस तरह अजीब पूरा सिस्टम है. एनी वेज, हमारे पास कॉल है. हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहा है? मैं हफ्सा बात कर रही हूँ कराची से. हफ्सा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ. कैसा दिन गुजर रहा है? वीकेंड कैसा था? वीकेंड पे क्या किया? वीकेंड पे तो कुछ भी नहीं किया, घर में ही थे और दिन अच्छा गुजर रहा है. अच्छा, घर पे ही थी तो बोर नहीं हुई? नहीं, बोर नहीं हुए. फिर हमारे घर पे मेरी खाला आ गई थी तो उनके साथ एंजॉय कर लिया था. अच्छा, सही. तो आज के क्या प्लान्स हैं, क्या करना है आज? आज का तो कोई प्लान नहीं है, और कल का प्लान है कि हम लोग खाला के घर जाएं दूसरी वाली. सही है. अच्छा, आपसे ये बताओ कि हर किसी की लाइफ में रूल्स होते हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा रूल है जो आप फॉलो करती हो? मेरी लाइफ में कौन सा रूल है? ऐसा स्कूल में होते ज्यादा तो रूल्स, लाइफ के घर में तो उतने नहीं होते. लाइफ के रूल्स जैसा होता है ना कि हमें इस गलत जगह पे नहीं जाना है, और इस तरह के रूल्स होते हैं कुछ होते हैं. यही है कि पेरेंट्स के होते हैं कि मुझे बाहर अलाउ नहीं है शाम में तक, ये 6 बजे तक उसके बाहर बाहर जाना अलाउ नहीं है, और ज्यादा फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना नहीं, घर जाना है तो मतलब शाम शाम में, रात में किसी घर नहीं जाना, डेट पार्टीज नहीं अलाउ. अच्छा. और भी काफी ज्यादा है. अच्छा, तो ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आई थिंक सही वजह से पेरेंट्स करते हैं इस तरह. व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ये सही होते हैं, ये हमारा इसमें अपना फायदा होता है. Exactly, that's true. Thank you so much for calling, Hafsa. It was nice talking to you. Today we're talking about rules of life. हर किसी की लाइफ में रूल्स होते हैं, जैसा पेरेंट्स बच्चों पे अपने रूल्स, कुछ घर के रूल्स होते हैं, हाउस रूल्स, यू नो हाउ दे से इट, कि घर में रूल होता है कि इस रूम में आपने नहीं जाना इस टाइम के बाद, और स्टफ लाइक दैट. और यू नो हाउ इट्स लाइक कि अगर टाइम, जिस तरह आपका सोने का टाइम, जिस तरह बच्चों का होता है, दे गोइंग टू स्कूल राइट, एंड दे गॉट लाइक पंक्चुअल टाइमिंग्स दैट दे नीड टू स्लीप एट दिस टाइम ऑफ नाइट. सो For instance, let's just say it's like 7 o'clock or 8 o'clock, because my nephews, they usually sleep around 7-ish, because you know, agar jaldi soge to aapko jaldi uthne ki aadat hogi. Just now uthne ki agar main baat kari thi the other day, like I was talking about my sneeze, how it's like a sneeze aati hai, phir ruk jati hai, phir aati hai, aur kisi ke agar aap samne baithe ho, aapki sneeze jo hai koi rok de. That's just so funny. And I remember the time when like neend mein I was like sneezing. And my sister called me and then she woke me up and I was like, oh my god, thank god you called me. Kyunki ajeeb agar aap time pe so jate ho, jaisa naps lete ho, aur mere ajeeb aajkal waise routine hui bhi, ajeeb ajeeb times pe main apni weekend pe so rahi thi, like I slept around 8-ish and I woke up 9-ish, aur raat ko phir ab neend phir aati nahi. Lekin mujhe to kuch log hote hain nap le lete, unko uske baad neend nahi aati. Agar raat mein agar aap thoda bahut nap le
इफ यू टेक अ नैप राइट अराउंड लाइक रात के टाइम में, तो आपको फिर रात की जो लॉन्ग आवर स्लीप होती है उसमें प्रॉब्लम होती है. मुझे तो उसमें नहीं होती, मुझे उसमें भी नींद आ रही होती है. आई जस्ट वांट टू स्लीप, इट्स लाइक समथिंग्स रॉन्ग विद मी दैट आई जस्ट वांट टू स्लीप ऑल द टाइम. अगर मुझे अभी कोई बोले कि यार यू शुड जस्ट गेट सम रेस्ट, आई वुड जस्ट गो एंड होप इन द बेड एंड आई वुड स्लीप स्ट्रेट अवे. इट्स लाइक आई एम एडिक्टेड टू स्लीप नाउडेज. एनीवेज माय फर्स्ट कॉल है. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहा है? मैं मरियम बात कर रही हूँ. मरियम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ. कैसा दिन गुजर रहा है मरियम? अच्छा गुजर रहा है, आपसे बात करके और अच्छा गुजर रहा है. अच्छा मरियम, वीकेंड कैसा गुजरा? क्या किया, कुछ स्पेशल किया वीकेंड पर? वीकेंड बस फ्राइडे तो फ्री गुजरा, सैटरडे संडे हम लोगों के घर कुछ गेस्ट आते थे, खाना फेंकी उनका. क्या किया? खाना पकाया है जी. खाना अच्छा मरियम हो ना, मैं सॉरी हफ्सा बोलने जा रही थी. मरियम खाना आता है पकाना? हाँ आता है थोड़ा बहुत, कुछ बिरयानी, खिचड़ी. अच्छा खिचड़ी तो आसान होती है. पिज्जा. अच्छा ये सारी चीजें आ रही है. तो कभी हेल्प करती हो अपनी मॉम की? मॉम हेल्प वैसी मैं तो बहुत लेजी इन कामों में. अच्छा तो कौन आपके बड़े बहन भाई में से कौन है? मैं खुद सबसे बड़ी हूँ, खुद ही लेजी हूँ. तो आपके छोटे बहन भाई आपको देख के ऑब्वियसली देखते हैं कि मैं बस भाई है, बहन नहीं कोई, बस मैं भाई है. अच्छा सही, तो अपनी मॉम की हेल्प नहीं करते? बस अभी कभी ऐसे कोई काम दिल चाह रहा काम करने का तो करती हूँ ना, आग से मैं हेल्प कर रही होती हूँ, लेकिन आजकल लेजी है. वैसे भी अभी रमजान आने वाले हैं तो उसमें तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी. इफ्तारी ऐसे कुछ दिन को काम नहीं होगा, शाम को इफ्तारी वगैरह बनानी पड़ेगी. हाँ सही. तो रोजे पूरे रखने के आपके प्लान्स हैं अभी? रोजे वैसे रखती पूरे हो? पूरे लास्ट ईयर तो पूरे रखे थे, लास्ट ईयर से मैं पूरे रखने शुरू किए थे. माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस. चलो सही है मरियम, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू, लेकिन टॉपिक के रिलेटेड बात आपसे नहीं हो सकी बिकॉज़ वी आर गोना हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. गाइस डू नॉट गो एनीवेयर, कीप वाचिंग गर्ल्स पब्लिक. Hello guys, welcome back from the break. You are watching Girls Republic. आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही है, मैसेज on my Facebook page which is Becks Khan. और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर one rule of life. हर किसी के लिए rules होते हैं life में, and like बहुत सारे rules होते हैं. अब अगर आप school की बात करें, school में भी बहुत rules होते हैं, लेकिन जो आपकी life का rule होता है हम उसके बारे में बात करें. अपनी feedback मेरे page पर drop करें जो कि मैं read out करूँगी, अपने नाम के साथ post करें, so that's going to be much better for me to read it out. क्योंकि आप लोगों के नाम जो होते हैं ऑब्वियसली आप फेसबुक के नाम डिफरेंट होते हैं, आपके रियल नाम डिफरेंट होते हैं. कुछ लोग इस तरह करते हैं प्राइवेसी इशूज़ आई थिंक. सो आई थिंक अगर आप अपने मैसेजेस के साथ अपना नाम भी पोस्ट कर दें इट्स गोना बी इजी फॉर मी टू रीड इट आउट. वन रूल ऑफ लाइफ, इट्स क्रेजी हाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ इट्स जस्ट लाइफ इज अ रोलर कोस्टर बेसिकली. इट जस्ट नेवर रियली गो स्ट्रेट, it's basically going all up and down, it's like all messy because it is obviously it's life, it's not meant to be all easy and it's never going to be easy. You're going to have to make it easy yourself, like in a few ways when you make rules right, or rules mein aapko pata chalta hai ki kaun se rules sahi hai kaun se rules sahi nahi hai. But anyways hamare paas call hai. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kaun baat kar raha hai? Ji main Amreen Rawalpindi se. Amreen kaisi hain aap, pehli baar call kiya aapne? हाँ जी फर्स्ट टाइम कॉल की है. अच्छा अमरीन आप क्या करती हैं? मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ. अच्छा अभी छुट्टियाँ हुई होंगी? जी. ओके थर्ड ईयर में कौन सा आपने लिया हुआ सब्जेक्ट? एजुकेशन आर्ट्स. ओके सही, तो फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, आपको क्या करना है? आर्ट्स में ही आगे कुछ खास नहीं है अभी तक. अच्छा अभी कोई प्लान नहीं है, बस पढ़ाई को रखना है, अभी पढ़ना है. जी आगे भी तक. ओके ठीक है अमरीन, ये बताएं कि आपके हर किसी की लाइफ में रूल्स होते हैं, तो आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा रूल है जो आप फॉलो करती हैं? रूल मेरी लाइफ में एक रूल है कि अपने सीक्रेट्स जो होते हैं ना वो कभी किसी को नहीं बताने. लाइक बड़े सीक्रेट में कुछ भी जो आपके अंदर है या कोई भी बात वो कभी किसी को नहीं बतानी. अच्छा तो आपके साथ कभी पास्ट में इस तरह हुआ होगा आपने किसी को बता दिया और सीक्रेट आगे से उन्होंने बिट्रे कर दिया एंड ऑल दैट, तभी आपने ये रूल बनाया? ये रूल बना कैसे आपका? ये मेरा शुरू से रूल है. शुरू से ही कभी आपने अपना सीक्रेट किसी से शेयर नहीं किया? नहीं कभी भी नहीं. आपकी बेस्ट फ्रेंड है? जी है. बेस्ट फ्रेंड्स के उनको भी नहीं पता सीक्रेट्स आपके हैं? नहीं किसी को नहीं पता. फ्रेंड्स हैं मेरी लेकिन किसी को इस बार कुछ भी नहीं पता, मैं बताना नहीं चाहती.
और बढ़िया भी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच अमरीन। ऑलराइट, थैंक यू फॉर कॉलिंग, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, बाय बाय। हम यहाँ बात कर रहे हैं वन रूल ऑफ लाइफ, हर किसी के लाइफ में रूल्स होते हैं, जस्ट व्हाट शी मेंशनड, सीक्रेट्स अपने, जितना कुछ लोग होते हैं सीक्रेट्स अपने शेयर कर देते हैं और बाद में उनको जाके उन्हीं के जो क्लोज्ड वंस होते हैं उनको इस तरह पब्लिक में ले आते हैं उनके सीक्रेट्स को, कि अगर अपने भी अपने ब्लड रिलेशन की अगर बात की जाए वो भी इसी तरह कभी कभार कर जाते हैं कि यू नो दे जस्ट बिट्रे यू एंड देन यू जस्ट थिंक टू योरसेल्फ, यू जस्ट पुट योर हैंड्स ऑन योर हेड एंड यू लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, लाइक यू डोंट नो व्हाट्स बेसिकली व्हाट दे डूइंग टू यू एंड देन आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि कुछ लोग होते हैं दे आर नॉट इवन वर्थ इट। सो इट्स बेसिकली फॉर यू, यू नीड टू लाइक अपने ट्रस्ट को जो है इतना easily नहीं, you shouldn't just give it out that easily because it's not that easy to trust people nowadays. It's like takes बहुत सारा आपको जो है पहले तो आपको पता करना चाहिए कि वो इंसान ट्रस्ट के लाइक है भी या नहीं, एंड देन यू शुड गिव आउट योर सीक्रेट्स, बट नॉट लाइक दैट, बिकॉज कुछ अगर होते हैं लोग अपने बिट्रे, अपने ही फ्रेंड्स आपको, अपने ही बहन भाई कभी कभार बिट्रे कर जाते हैं, और इस तरह का वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया योर लाइफ इज जस्ट गोना बिकम लाइक ऑल ओपनड, लाइक एवरीवनस गोना नो व्हाट यू गोइंग थ्रू, समटाइम्स इज बेस्ट टू कीप दैट स्ट्रॉन्ग एक्ट ऑन। कभी ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्ट अगर आप रखोगे इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी, इन फ्रंट ऑफ दिस वर्ल्ड, देन इट्स ओनली गोना बेस्ट फॉर यू, इट्स ओनली गोना बी बेस्ट फॉर यू, नॉट फॉर अदर्स, बिकॉज दे विल थिंक दैट ओ दिस पर्सन इज लाइक लिविंग ऑल हैप्पीली एंड स्टफ, बट डीप डाउन इनसाइड यू वुड नो दैट व्हाट कैन like what kind of obstacles you're facing, what kind of stuff you're going through. But then again, yeah, you're gonna have to like make yourself that kind of person who people they can relate to. Like you need to like inspire people, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं हम डिप्रेस्ड हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होना चाहिए कि यू शुड जस्ट गेट बैक राइट अप एंड यू जस्ट शो द वर्ल्ड व्हाट यू कैन बी एंड व्हाट यू कैन डू रादर देन जस्ट गोइंग ऑल डिप्रेस्ड, बिकॉज दैट्स जस्ट नॉट राइट। इस तरह के रूल्स आपको लाइफ में रखने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के रूल्स होंगे, कभी कभार कहते हैं कुछ लोग, समटाइम्स पीपल राइट दे जस्ट गो लाइक ओ रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, ड्यूड इट्स नॉट रियल, आई मीन इट्स नॉट इवन ट्रू, इट शुडंट बी दैट वे, बिकॉज कुछ रूल्स होते हैं, जिस तरह अगर आप कहीं जा रहे हो और सामने लिखा है आउट ऑफ ऑर्डर यू कांट एंटर दिस प्लेस एंड येट यू वांट टू गो थ्रू दैट प्लेस, दैट्स जस्ट लाइक अपने आप को अपना आप रिस्क में डाल रहे हो किसी भी चीज़ में। सो आई थिंक कुछ रूल्स होते हैं आपको फॉलो करने पड़ते हैं। दैट वाज जस्ट ए टीनी टाइनी फनी काइंड ऑफ एग्जांपल आई जस्ट हेटेड, दैट वाज जस्ट मी बीइंग ऑफली weird because that's how I am, you know, sometimes when people they just tell you that oh you are a weird person and then yeah you just be like अपनी वियर्डनेस को यू शुड जस्ट एम्ब्रेस इट। अगर आपको लोग कहते हैं कि जस्ट बी नॉर्मल, जस्ट एक्ट नॉर्मल, इट्स नॉट राइट, क्योंकि आपको वो आप वो करें जो आपको सही लग रहा है एंड व्हाट यू थिंक इज राइट फॉर यू। इफ समबडी इज लाइक टेलिंग यू ऑफ ऑफ समथिंग और आपको लग रहा है कि वो आपको कुछ ज़्यादा ही बॉसीनेस डोमिनेंट हो रहे हैं, इट शुडंट बी दैट वे। अगर आपकी लाइफ आप अपने रूल्स के साथ लेकर चलो सो इट्स गोना बी मच बेटर फॉर यू, नॉट फॉर अदर्स, क्योंकि अगर आपके रूल्स अपने लाइफ में ये है कि दूसरों के ओपिनियंस या क्रिटिसिज्म को नहीं सुनना एंड ऑल दैट, तो आई थिंक वो आप लोगों के लिए अच्छा होगा एंड इट्स गोना बी गुड फॉर यू। अगर आपने इस तरह के रूल्स रखे हुए लाइक डू नॉट ट्रस्ट पीपल, डू नॉट शेयर सीक्रेट्स, इट्स एक्चुअली रियली गुड, क्योंकि कभी कभार आपके जो हैं सीक्रेट्स भी बाहर आ जाते हैं। सो जस्ट इट्स बेस्ट टू लाइक टेक देम विद यू एंड यू नो हाउ वन सेज लाइक कुछ रीजंस, कुछ सीक्रेट्स होते हैं आप अपने साथ ही लेकर जाते हो व्हेन यू लीव दिस वर्ल्ड, नॉट व्हेन यू फ्लाइंग आउट द कंट्री, लाइक व्हेन यू एक्चुअली लीव दिस वर्ल्ड एंड यू गो to like you know when you die basically in simple words. So how it's like har kisi ki life ke rules hote hain, apni feedback mere page pe drop kare which I'm going to be reading out in a bit guys. I'm going to be going for a short break, so in the meanwhile you can leave your feedback on my Facebook page, do not go anywhere, keep watching Girls Public. Hello guys, welcome back from the break. You are watching Girls Republic. You can call us live if your call's not going through. Keep trying, and if you don't get through it, just try again, because that's what it's like. Never lose hope, never give up basically. तो हर किसी की लाइफ के रूल्स होते हैं, तो आपकी लाइफ का रूल क्या है आप हमें कॉल करके बताएं कि आपका जो है एक लाइफ में कौन सा एक ऐसा रूल है जो आप कभी भी नहीं तोड़ सकते, कभी भी आप यू नो यू जस्ट कैन नॉट ब्रेक है। सो दैट्स व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। अपनी फीडबैक मेरे पेज पर ड्रॉप कर दें जो कि मैं रीड आउट करूंगी, इट शुड बी रिलेटेड टू टॉपिक व्हिच आई एम गोना रीड इट आउट इन अ बिग गाइस। तो कॉल करके हमें बताएं कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा रूल है।
हर किसी की लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं. कुछ लोग हैं रूल्स को दे जस्ट डोंट बिलीव इन रूल्स एंड दे जस्ट टेंड टू ब्रेक है एंड दे जस्ट गो लाइक रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन. गाइस इट्स नॉट लाइक दैट, इट शुडंट बी दैट वे. अगर कोई आपको रूल्स दिए जा रहे हैं आपको उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए. इट्स गोना बी गुड फॉर योर ओन बेनिफिट. इट्स लाइक यू नो समटाइम्स के भी आपको चीज़ें आपको दी जाती हैं आपको उस वक्त पता नहीं होता, लेकिन बाद में अगर आप वो चीज़ पूरी उल्टी कर दो एंड यू जस्ट डोंट नो हाउ टू लाइक हैंडल इट बेसिकली मैनेज थिंग्स. सो इट्स जस्ट लाइक कि कभी कभार आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी चाहिए. जस्ट लाइक अगर इफ समबडी इज लाइक ऑल डिप्रेस्ड एंड स्टफ, आई थिंक दे शुड जस्ट चीयर अप एंड दे शुड लुक अराउंड व्हाट काइंड ऑफ लाइक स्टफ दे हैव बीन ब्लेस्ड विद. इट शुडंट बी लाइक मटेरियलिस्टिक स्टफ, क्योंकि मटेरियलिस्टिक स्टफ जो है आपको खुशियाँ नहीं देते. एज लॉन्ग एज यू हैव गॉट लाइक दैट लव्ड वन और स्पेशल someone like you, if you've got your family with you, your parents, your siblings, then you're blessed. Obviously agar is tangi agar aapke rishte ho then you're blessed with a lot of love that you if you just look around. Lekin agar aap materialistic ki baat karo to wo to puri alag cheez hai kyunki aapke paas sab kuch hai, you've got branded stuff, you've got luxurious cars and everything. Lekin agar aapke paas jo जिस तरह फैमिली लव होता है, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, योर हस्बैंड, योर फ्रेंड्स, अगर ये सारा नहीं है सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कैरिंग ऑल देम थिंग्स विद यू, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट्स गोना मेक यू हैप्पी. व्हाट्स गोना मेक यू हैप्पी इज योर लव्ड वंस अराउंड यू. एनीवेज आई एम गोना रीड आउट योर मैसेजेस नाउ. ओके लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट हियर. अनीका वेलकम क्यूटी, लुकिंग सो प्रिटी. माय वन लाइफ रूल इज ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. Well, that's true, because if you're not going to think positive, all the things that you're dealing with is just going to turn into a big mess and you're going to be surrounded with, you know, like all that negativity. Because like agar aap positive rahoge to har cheez aapki positive way mein chalegi. Agar aap apna hope lose kar do then it's just going to make things worse. So I think staying positive is way to go. Okay, we've got another message here. Hafiz Mubashir, my life rule is that I like to complete my work on time and think positive in our life. And I always smile. I think it's actually good क्योंकि आजकल जो है अगर आप बाहर निकलते हो आप अगर faces हर किसी के देखते हो, if you're just passing by someone, right? और आप देख रहे हो उनको कि oh, they just got this sad kind of look on their face. अगर आप उनको smile करके एक smile ही दे दो तो उनका दिन इतना अच्छा गुजर जाएगा. You know, you never know किसकी life में क्या चल रहा है. अगर एक किसी को smile दे दो कुछ नहीं होगा. It's not gonna, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़े हंसने के लिए, आपको कोई दे नहीं रहा. लेकिन you should just, you know, just keep that smile on your face and make everyone happy. Okay, हमारे पास call है या नहीं? Okay, hello. वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? हरी बात कर रही हूँ. हरी, हरी वही वाली हरी ने? जी बिल्कुल. कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, I'm perfectly fine alhamdulillah. हरी बताओ ये क्या इतने मैं बोल रही थी सदियों बाद, हाँ कहाँ घूमो, क्या कर रही हो आजकल? बिजी थी जरा बस. किसमें बिजी हो, क्या कर रही हो आजकल, क्या चल रहा है? फॉर माय ड्रामा शूट. हाँ दैट्स नाइस. तो एक्टिंग कर रही हो, क्या कर रही हो? जी एक्टिंग. Wow, Hari, that's amazing. तो कैसी acting लग रही है so far? बहुत अच्छी लग रही है. हाँ, तो कैसे tough shoots होते हैं या फिर नहीं? बहुत ज़्यादा tough, बहुत. अच्छा, तो किस तरह manage करती हो फिर उसको? बस manage करना पड़ता है. वैसे भी मुझे नींद तो आती नहीं है, तो थकन इतनी ज़्यादा हो जाती है. नींद नहीं आती? नींद नहीं आती मुझे. अच्छा, थक जाती है, नींद नहीं आती. तो फिर सोती जल्दी सोती हो, लेट सोती हो? मैं बस लेट जाती हूँ और मैं सोच समझ नहीं आता किस तरह से सोऊं. अच्छा, नींद नहीं आती. अच्छा, मैंने वैसे सुना है, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही तो शीप्स होती है ना, उनको जो है आप बैठ के अपने माइंड में गिनते रहो कितनी शीप हैं, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी और शीप कितनी. बहुत दफा कर चुकी हूं लेकिन कुछ असर नहीं होता. ये बहुत ही हैवी है, मतलब जस्ट डोंट बिलीव इन दैट. जस्ट लाइक लोग बोलते रहते हैं कि ये कर लो वो कर लो ये गिन लो एंड ऑल दैट. नींद अगर आनी हो ना तो आ जाती है अगर आप थके हुए हो और आपको यू नो इफ यू टायर्ड. लेकिन एनीवेज हमें हरी ये बताओ कि लाइफ में कौन सा एक ऐसा रूल है जो आप फॉलो करती हो? रूल फॉलो जो करती हूँ अपनी लाइफ का, हर किसी की लाइफ में रूल्स होते हैं ना. जी, आपकी लाइफ में क्या है? मेरी लाइफ का ये रूल है, आप जितनी भी परेशानी में हो, जितनी भी टेंशन हो, स्माइल करना मत छोड़ो. जी, तो आपको कभी भी टेंशन होती है, स्ट्रेस्ड होती हो, क्या करती हो? होता है, लेकिन स्माइल करना मत छोड़ो. क्योंकि आपके दिमाग को वो बात पता होती है, लेकिन जब आप बहुत खुश रहना सीखोगे तो आप कभी भी टेंशन आपके ऊपर हावी नहीं होगी. आप पे हाँ ये है, अगर आपको लोग देखेंगे कि बहुत ही आपका मूड ऑफ है और ये वो, फिर आपसे बात करने को भी उनको दिल नहीं करेगा. हाँ, वो
میں کہوں گی یار یہ تو ویسے ہی آف بیٹھی ہے, اس سے بات کریں کہ ہم خود آف ہو جائیں گے, اس سے بات نہ کرو. ہاں That's true, Harry, but thank you so much for calling. It was so nice talking to you. Guys, we're going to be going for a teeny tiny break. Do not go anywhere. Keep watching Girls Republic. Hello, guys. Welcome back from the break. You are watching Girls Republic. You can call us. Call us and tell us what is your life in your life. What is the rule that you follow? And sometimes you never break that rule. So that's what we're talking about today, guys. Apni feedback bhi mere page pe drop kar sakte hain, which I'm going to read it out. That's what I was doing. I was just loading your messages, jo ki mujhe bahut slow mil rahe hain, lekin I am trying my very best to, like, you know, read out all your messages. Lekin kabhi kabhi hota hai ki messages padhne mein mujhe, like, kyunki aap logo ke naam isna hota hai, mujhe baad mein aap log mujhe inbox karke bolte hain, mara aapne naam nahi liya, main naam kaise lu aap log. Ye baar baar main isliye repeat kar rahi hu kyunki mujhe kuch log, some people that actually be like ki Becks aap hamara naam nahi leti, main naam le leti hu aap us pe mujhe, you just have a go at me, so I'm really sorry. Lekin agar aap naam likhenge then I'm only gonna read it out. Anyways, mere paas call hai. Hello, kaun baat kar raha hai? Hi Asma. Hello, main Asma baat kar rahi hu. Asma kahan se call ki hai? मैं कराची से. कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप? मैं भी ठीक हूँ. अस्मा, मंडे कैसा गुजर रहा है आज का दिन? बस अभी तो घर में ही गुजर रहा है क्योंकि वेकेशन है. हाँ. तो बस. अच्छा अस्मा, पहली बार कॉल की है या फिर call? हाँ, ये मेरे किसी भी शो में फर्स्ट टाइम कॉल है. अच्छा, that's really nice. अच्छा अस्मा, ये बताओ कि अस्मा नहीं, इस अस्ना, ASNA. ओके अस्ना, राइट अस्ना. ये बताओ कि हर किसी लाइफ का रूल होता है, आपकी लाइफ का रूल क्या है? हाँ, मेरी लाइफ का ये रूल है कि किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कभी. किसी से क्या? एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी अच्छा. चाहिए. क्यों ये रूल कब बना और कैसे बना, किस तरह ये रूल? इसलिए वजह के बहुत सारे एक्सपीरियंस से ये चीज अंदाजा हुआ कि कभी किसी से, और जैसे हमारे नेचर में होता है, जैसे मेरे नेचर में है कि मैं हर किसी के लिए अच्छा सोचती हूँ, मैं कभी किसी को किसी चीज के लिए गलत गाइड नहीं करती. और ये चीज बहुत मतलब कुछ टाइम पहले मेरे अंदर था कि मैं किसी से एक्सपेक्टेशन रखती थी कि अगर मैं किसी की केयर कर रही हूँ या मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ तो उसके रिवर्स में मुझे भी कुछ मिले. लेकिन कुछ टाइम बाद से मुझे ये रियलाइज हुआ कि आपको किसी के लिए अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आप उससे रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट करें कि आपके लिए भी वो कुछ करे. इससे आप खुद भी सेटिस्फाई रहते हैं और अब भी सारी चीजें पॉजिटिव रहेंगी. एग्जैक्टली, हाँ यही होना चाहिए. कुछ लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं और आगे से फिर जो है उनको कुछ नहीं मिलता तो वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ. लेकिन इस तरह होना चाहिए कि आप बस अपने बिलीव रखो, और अगर कोई काम कर रहे हो और उस काम में आपको लग रहा है कि अच्छा होना चाहिए तो आप एक्सपेक्ट करो, लेकिन बिलीव रखना वो अलग बात होती है. और ये हर रिलेशन में ये चीज होनी चाहिए, आपके रिलेटिव हो, आपके फ्रेंड्स हो, हर चीज में आपको यही सोचना चाहिए कि इस तरह सही रहता है सारी चीजें. हाँ, दैट्स ट्रू अस्ना, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. हम यहाँ बात कर रहे हैं वन रूल ऑफ लाइफ. हर किसी का अपना ही अपना रूल होता है. जैसा मेरा है, नेवर गिव अप. अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है मैं लेकर रहती हूँ और उसको मैं छोड़ती नहीं हूँ. लाइक इट कुड बी लाइक एनीथिंग, इट कुड बी लाइक करियर रिलेटेड, कोई फ्यूचर मेरे गोल्स हैं उस पर मैं, आई वुड नेवर गिव अप ऑन दैट. एंड देन इट्स लाइक यू नो, इफ इट्स लाइक किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना उस पर, आई वुड नेवर गिव अप ऑन दैट एंड स्टफ लाइक दैट. लेकिन अगर मेरी खुद की प्रॉब्लम है, आई वुड जस्ट गिव अप एंड आई वुडंट गिव अप. अगर मेरी कोई प्रॉब्लम है मैं उसको बहुत ही सर पे सवार कर लेती हूँ, मुझे इतनी टेंशन हो जाती है. छोटी छोटी भी प्रॉब्लम मेरी अगर कोई भी होगी, फॉर इंस्टेंस इफ इट्स रिलेटेड टू माई, मेरे सर में हर वक्त वो बात रहेगी कि इस चीज़ को मुझे करना, आई नीड टू फिक्स दिस थिंग, और उसी की वजह से पूरा मेरा दिन खराब गुजर जाता है. लेकिन खराब हो जाता है वो, उस तरह नहीं होना चाहिए. दैट्स वन थिंग आई नीड टू चेंज अबाउट मायसेल्फ. हर किसी की लाइफ में चीज़ें होती हैं कि आपको ये चीज़ अपने माइंड से या अपनी लाइफ से आपको चेंज करनी चाहिए. इट कुड बी लाइक एनी थिंग, आपको लाइक वन थिंग दैट यू विल लाइक टू चेंज अबाउट योर सेल्फ. दैट्स राइट. इसमें अगर कोई भी चीज़ आ सकती है, लाइक योर बिहेवियर, योर क्वालिटीज, द वे यू एक्ट एंड स्टफ, तो इसमें बहुत सारी यू नो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं. जैसा मुझे अपनी ये चीज़ चेंज करनी है, लाइक आई स्ट्रेस अ लॉट. हर बात पर मुझे थोड़ी बहुत भी कोई अगर मुझे कोई बात बोलते हैं, आई वुड जस्ट स्टार्ट स्ट्रेसिंग आउट. आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड वी लॉस्ट लाइन. माय मॉम वाज लाइक कि तुम बहुत हर छोटी बातों पर स्ट्रेस्ड हो जाती हो, परेशान बैठ जाती हो, टेंशन लेती हो. इवन माई फ्रेंड्स दे लाइक, इस तरह नहीं होना चाहिए. छोटी बातों पे आपको इस तरह स्ट्रेस अगर लेने लग गए तो आपकी लाइफ जो है अभी से ही बहुत ही डिप्रेशन में चली जाएगी, जो कि मेरी स्लोली स्लोली इज जस्ट यू नो. अगर ऐसी अगर आप चलते गए, लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ इट्स परफेक्ट एंड इट्स ऑल यू नो बटरफ्लाइज एंड यूनिकॉर्न्स, इवन द यूनिकॉर्न्स दे डोंट इवन एग्जिस्ट. लेकिन यूनिकॉर्न्स का तो वैसे भी इमोजी आ गया है फोन में, आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू इट, बट इट एग्जिस्ट.
हमारे फोन के अंदर पिक्चर में गूगल पे, लेकिन इट डजंट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ. एनीवेज आई एम गोना कंटिन्यू विद दिस आफ्टर दिस कॉल. हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहा है? मैं राबिया कराची से. राबिया कैसी हैं आप? पहली बार कॉल की है ना आपने? जी. आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ राबिया. ये बताओ क्या करती हो? कुछ भी नहीं, बस घर के काम. घर के काम? पढ़ती हो? स्टूडेंट हो? क्या करती हो? नहीं, पढ़ाई खत्म हो गई? जी पढ़ाई खत्म हो गई है, अब मैं बस घर में हूँ. अच्छा सही. राबिया ये बताओ कि हर आपकी लाइफ का रूल क्या है? कोई ऐसा एक रूल जो आप फॉलो करती हो, आप उसको रूल को नहीं तोड़ना चाहती? बस मेरा ये रूल है कि बेस्ट फ्रेंड नहीं बनानी चाहिए. ये क्यों? बस कुछ. अच्छा कुछ हुआ है पास्ट में ऐसा कि आप बोल रहे हो कि नहीं ये नहीं होना चाहिए? हाँ. क्यों, ऐसा क्या बेस्ट फ्रेंड ने किया? इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, हर्ट किया होगा फीलिंग्स को एंड ऑल दैट? वो अगर हम उनसे कोई सीक्रेट बताएं भी उन्हें तो वो आउट कर देती हैं. एग्जैक्टली इस तरह कुछ होती है. लेकिन आपको जो है अपना ट्रस्ट इतना इजीली लोगों को नहीं देना चाहिए. एंड बी केयरफुल किसको आप अपने सीक्रेट्स बताओ. मोस्ट ऑफ ऑल सीक्रेट्स अपने पास ही रखने चाहिए. फैमिली में अपने माँ बाप के साथ शेयर कर लो, बट डू नॉट शेयर विथ योर फ्रेंड्स. दैट्स व्हाट माय एडवाइस इज फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. मैं बात कर रहे थे वन रूल ऑफ लाइफ. अपनी फीडबैक आप लोग मेरे पेज पर ड्रॉप कर सकते हैं रिलेटेड टू द शो और एनी थिंग, कुछ भी टॉपिक रिलेटेड एनी थिंग इट कुड बी एंड वी वुड जस्ट कंसिडर इट. I'm going to be signing off, guys. You guys take care of yourself and I'll see you later.